लोगों ने कितना ज्यादा गंद मचा रखा है। Hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. So guys, आज हम लोग जा रहे हैं कावड़ लेने के लिए हरिद्वार। आज जा रहे हैं नाम मैं रिचा चरण और संजय। तो लेट्स गो, एक बार चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। लेट्स गो। नहीं ले जा रहे ना, कोई बात नहीं। मैं आपको लेके नहीं जा सकते, वैसा माहौल नहीं है वहाँ पे और आप इतना चल नहीं पाओगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग घर से निकल गए हैं, तो एक बारी जयकारा लगा देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस निकल गए हैं, सारे कह रहे हैं रास्ते में बहुत ज्यादा जाम है, ये है वो है, बट अब निकल गए हैं तो गुड्डी चाड़ के आएंगे, ऐसे वापस नहीं आते। जल लेके आएंगे हमारी द्वार से, और आज हम निकले, कल हमें वापस भी पहुंचना है क्योंकि कल सुबह जल चढ़ना है। पहले मुझे लगा था कि 17th को जल चढ़ना है, बट मेरे को आज सुबह पता चला कि कल ही जल चढ़ना है, तो इसलिए मैं निकल गया जल्दी जल्दी में। लेट्स सी क्या होता है, जल लेके आएंगे, वहां चल के आपको सारा दिखाते हैं अपनी पूरी जर्नी। सो लेट्स गो। जो रास्ता वया कश्मीरी गेट था वो रास्ता बंद कर रखा है क्योंकि हमारी यमुना जो है वो रेड अलर्ट पे है, क्योंकि उसका वाटर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं जीटी करनाल रोड से, एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे से चलते हैं, तो वहां से दिखाते हैं। यहाँ पे हम नहीं जा पाए क्योंकि पुलिस वाले ने रास्ता बंद कर रखा था। तो लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं, फिर हम यहाँ से आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। जाम से निकलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार, और ये एकदम हमारे सामने गंगा मैया। तो अभी हम लोग रुके हैं चाउमीन वगैरह खाने के लिए, क्योंकि आज रास्ते में ना कोई भी ढाबा ढंग से मिला नहीं, क्योंकि हम अंदर गलियों में से आए हैं सारी, तो इसलिए अभी हम लोग खा रहे हैं भैया से चाउमीन। तो लेट्स गो, चाउमीन खाते हैं। और चल के आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर कितनी ज्यादा भीड़ है गाइस। सो लेट्स गो एंड आपको वहां चल के दिखाते हैं। Shiva Shiva
गाइस आज हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार का दूसरा फेस, लोगों ने कितना ज्यादा गंद मचा रखा है। अगर आप लोग इतने रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो तो सबसे रिक्वेस्ट है कि गंद मत मचाओ, अपना कूड़ा अपने साथ कैरी करो, जहां पे आपको डस्टबिन दिखे कृपया करके उसमें डालो, सबसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है। जल भर के आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है। जल भर के लेके आ चुके हैं गाइस, और सबसे बड़ी बात हमने सबके लिए जल ले लिया, सबके लिए मम्मी सिमरन सीमा बबली माजी सबके लिए जल ले लिया। तो एक बार ही निकलते हैं यहाँ से, फिर आगे चल के बात करते हैं। लेट्स गो। तुझे गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं। फुल जैम पैक्ड है, ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा हो गया हमें यहाँ ट्रैफिक में खड़ा खड़ा, बट ये ऐसे ही स्लो मूव कर रहा है। नींद भी आने लगी अब थोड़ी थोड़ी, हुण दसो की करिए। आंखें खुली रखने के लिए मैंने खरीद ली ये सीटी। More than 3 hours, जाम नहीं खुलने का नाम ले रहा, वहीं के वहीं खड़े हैं हम लोग, और ये एक ट्रक वाला हमारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ गया, बड़े दुख की बात है, बट कोई नहीं, घर जाके जुड़वा लेंगे, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते ज्यादा, क्या करें अब, तो कोई नहीं, घर जाके जुड़वा लेंगे, बाकी अभी खुलता है फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। तो लेट्स वेट। मांगा कुछ कभी नहीं। So guys, it's been more than 6 hours, हम अभी तक एक ही जगह पे जाम में स्टक खड़े हैं। ये देखो गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने को आ गया, बट जाम खत्म होने को नहीं आया, मतलब इट्स आवर फर्स्ट टाइम, बट जो मैनेजमेंट है यूके उत्तराखंड के, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, बिल्कुल भी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है, एक भी पुलिस वाला नहीं है जो ट्रैफिक कंट्रोल कर सके। समुद्र मंथन का था समय जो पड़ा। फिर आ रहा मजा है। सो गाइस आफ्टर 8 hours अब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो उम्मीद है अब हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, बाकी आगे कुछ जाम लगता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। विशाल रित पे था छिड़ा अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। फाइनली हम लोग आ गए हैं घर वापस। जय भोले। मैं वहाँ बहुत हालत खराब हो जाती, वहाँ ऐसे स्पीकर बज रहे थे धुम धुम। मम्मी भी आ गई, बम बम बोले, बम बम बोले, लेट्स गो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।